हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब भी मैंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू किया तो भाई मैंने उस वीडियो में आप लोगों से एक बात बोली जिस पर शायद आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। और आप लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई आपने ये स्कूटर कहां से खरीदा, कितने में खरीदा, कब खरीदा और क्यों खरीदा। जबकि मैंने उस वीडियो में आप लोगों से एक बात बोली थी कि जब से ये स्कूटर मुझे मिला है और आपने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने ये स्कूटर कहां से और कितने में लिया है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो ईबी का एट्रियो इलेक्ट्रिक पावर स्कूटर है दोस्तों, इसको मुझे ईबी कंपनी ने गिफ्ट दिया है, परमानेंट गिफ्ट दिया है। ऐसा नहीं कि भाई रिव्यू करके वापस कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये मेरा हो चुका है। अब इतना ही सुनते ही आप लोग ये सोचेंगे कि भाई इसीलिए जब ये कुछ बताएगा अभी स्कूटर के बारे में तो हमेशा अच्छा बताएगा बंदा, कुछ बुरा नहीं बताएगा, इसके बारे में कमियां नहीं बताएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो इस स्कूटर के बारे में बनाई है उसमें मैंने आपको कमियां भी बताई है, इसमें जो भी मुझे कमी लगी है वो मैंने आपको बताया है। और ये स्कूटर अभी तक मैंने लगभग 1300 किलोमीटर चला लिया है और लॉकडाउन में इस स्कूटर ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरा कोई भी पेट्रोल खर्च नहीं हुआ क्योंकि मैं लॉकडाउन में घर पर था, तो जो बाजार जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ तो मैं इसी से आता जाता था दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो भाई ईबी कंपनी का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल को ट्रस्ट करके इतना बड़ा, जैसे कि लगभग 65,000 रुपए का स्कूटर गिफ्ट दिया, तो ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है और मैं ईबी कंपनी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को, तो जिसकी वजह से आप लोगों के प्यार से ही ये सारी चीजें संभव हो पाई। और अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी मैं इस स्कूटर की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बताऊंगा। और एक अच्छी बात मैं आपको और ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी, जैसे मुझे जब स्कूटर को दिया गया कंपनी के द्वारा, तो सबसे अच्छी बात जो मुझे ईबी कंपनी की लगी, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको इसकी इतनी वीडियो बनानी है, ऐसी बनानी है, सिर्फ पॉजिटिव बताना है, ऐसा भाई कुछ नहीं कहा। तो मुझे ईबी कंपनी की ये जो सबसे बड़ी बात है ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि लगभग 65,000 रुपए का स्कूटर देने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि आपको कैसे बोलना है। तो ये चीज मैं बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और ईबी कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार से ये सारी चीजें संभव हो पाई है। और मैं आपको अभी जाते जाते एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बिल्कुल ईमानदारी से सही बातें बताऊंगा, क्योंकि एक भाई ने मुझे ईमेल करके ये पूछा था कि भाई ये स्कूटर कैसे है, कैसा है, तो मैंने उनको जो भी बातें थी बिल्कुल क्लियर ईमेल में बताई है। ऐसा नहीं कि भविष्य में जैसे मैं कहीं जाता रहूं और आप मुझे मिले और आप मुझे कहें कि भाई आपके कहने से मैंने ये ले लिया, इसमें ये हो गया, तो मैंने सारी चीजें बता रखी है। आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बस मुझे आपको ये क्लियर कर देना चाहिए, क्लियर कर देना था कि भाई ये स्कूटर मैंने कहां से लिया। तो भाई मुझे फ्री मिला है और परमानेंटली मिला है, ऐसा नहीं है कि वापस करना है। तो आपको कैसा लगा ये सुनकर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को मिंटू को, जो इसका नाम हो सकता है आगे चलकर बदल जाए, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा सपना है, वो हो सकता है जल्द ही पूरा हो जाए। तो मैं बहुत सारी चीजें बदलाव लाऊंगा और इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं किसी और चीज में जब लगा हुआ हूं तो सारा ध्यान वहां पर रहता है, इसलिए इस चैनल पर वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।